हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता है मैं नई नई रेसिपी लेके आता हूँ, तो आज मैं यहाँ पे आपको जो प्याज है उसकी देसी चटनी बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसमें सामग्रियाँ यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, इसको इस प्रकार से काट लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, तो आप भी काट सकते हो। इसके अलावा आप चटनी के अंदर अगर आप टमाटर डालना चाहते हो या अलग से कुछ चीज़ डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल प्याज का इस्तेमाल किया है, तभी तो प्याज चटनी इसको बोला जाता है और ख़ास करके गाँव में खूब बनाई जाती है। और इसके अलावा क्या क्या इसमें सामग्री डाली जाएगी, मसाला क्या क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं मसाला, मैंने लगभग 1.5 चम्मच है धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और जो नमक है उसको स्वाद अनुसार लिया है मैंने, यहाँ पे रख दिया है। आप इसको जैसे अलग कोई कटोरी के अंदर पानी भी डाल सकते हो, उसमें भी घोल सकते हो या फिर सीधा भी इसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोग्राम को, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया, कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। अब इस तेल को गर्म करूँगा, लगभग इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट तक गर्म करूँगा ताकि तेल गर्म हो जाए। इसके बाद में इसमें जीरा डाला जाएगा, हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे। और जीरा देखो डालते ही इसमें इस प्रकार से पीला होने लगा है, जैसे ये थोड़ा भूरा भूरा हो जाएगा इसमें प्याज डाल दिया जाएगा। तो तेल को गर्म करने के बाद में मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा पकने का इंतज़ार करेंगे, लगभग 30 से 40 सेकंड में ये जीरा पक जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो जीरा है वो पूरी तरीके से पक कर तैयार हो गया है। अब जो हम चटनी बना रहे हैं प्याज की चटनी, जो भी सामग्री बनाते हैं, जिसकी भी चटनी बनाते हैं, समझ लो आप टमाटर की चटनी बना रहे हैं तो वो इसमें डाल देंगे, और काफ़ी सावधानी से डालना होगा क्योंकि ये तेल है काफ़ी गर्म हो गया है। इस प्रकार डालेंगे इसमें, काफ़ी छीटे भी लग रहे हैं, लेकिन आप इस रिकॉर्डिंग के चक्कर में पास लेके आना पड़ रहा है, लेकिन आप दूर से इस्तेमाल करें ताकि इसके छींटे ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गैस है उसको कम कर लेंगे। तब ये जो तेल है नीचे ना चिपके, अब हमारा जो प्याज है, प्याज प्याज की चटनी बना रहे थे, प्याज पूरी तरीके से पक गया है, अभी देखो पीला पीला प्याज हो गया है, सफ़ेद था पीला हो गया। अब जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। हमारा जो मसाला था देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बारी बारी से आपको बताया था, अब इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट में हमारी चटनी स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो या फिर धनिया भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगातार इसको हिलाते रहेंगे वरना ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे अपनी इच्छा अनुसार, मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ इसमें। ये देख सकते हैं जैसे ही पानी डाला इसमें धुआं निकलने लग गया भाप के रूप में, ताकि इसका जो तरी है जो झोल बोलते हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट लगने लगता है। तो पानी कम ही यूज़ करें, ज़्यादा पानी से तो पतली हो जाएगी चटनी, अच्छी नहीं लगेगी, ठीक ठाक पानी का यूज़ करें। देखिए हमारी चटनी है पूरी तरीके से पककर तैयार हो गई, इसमें काफ़ी अच्छी खासी सुगंध आ रही है। ये पूरी प्रक्रिया थी चटनी बनाने की, देसी चटनी बनाने की, मैंने आपको विस्तार से बता दी है। अगर ऐसी रेसिपी चाहते हैं मटन की, चिकन की, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, मिठाई की, तो लगातार हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में और नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।